सर इट्स लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। स्वागत करता हूं अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी पर आप सभी का। दोस्तों तारीख है आज 11 अक्टूबर की, समय है 12:08 का। दोस्तों हम जुड़ चुके हैं आपके साथ एक विशेष घोषणा करने के लिए। ये घोषणा है आपकी तैयारी की यूपीएससी 2021 के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये कार्यक्रम है उड़ान, उड़ान 2021। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, उड़ान 2021 की बात करेंगे आपके साथ। क्या है उड़ान, पूरा कार्यक्रम जानेंगे आपके साथ, लेकिन जरूरी बात, ये आपकी तैयारी को बहुत बेहतर करने वाला है दोस्तों। 2021 की प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत समय नहीं बचा आपके पास। जिस दो दोस्त में 2021 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, और जो 22 की तैयारी शुरू करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी अति आवश्यक होगा कार्यक्रम। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अपना कर्तव्य आपने भाई ये, और आपका कर्तव्य है इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। दोस्तों लाइक का शेयर का बटन दबाइए फटाफट से, जिससे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके। हिंदी की भाषा में बहुत शानदार कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है दोस्तों आपके लिए। ये एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी तैयारी बहुत उम्दा, बहुत बेहतर, बहुत शानदार कर देगा। आइए जानते हैं, मेरे पास एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ दोस्तों, पूरा एजुकेटर का पूरा पैनल आप देख रहे हैं तस्वीर में। बहुत एजुकेटर की लिस्ट है यहाँ पर, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत यंग ब्लड, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अनुभवी टीचर भी आपके साथ रहेंगे, छोटा योगदान मेरा भी रहेगा दोस्तों आपके साथ। लेकिन सबसे पहले चलूंगा डॉक्टर मंजेश के साथ। अगर आपको मंजेश सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक सर, प्लीज। जी जी आशीर्वाद सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, सबको गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर, मंजेश सर, क्या है उड़ान कार्यक्रम, एग्जैक्टली क्या है उड़ान प्रोग्राम सर? ये लक्ष्य के बाद उड़ान के रूप में एक नया कार्यक्रम अनअकैडमी यूपीएससी ने लॉन्च किया है, और मैं समझता हूं कि ये YouTube में जो सिविल सर्विसेज टीचिंग है उसके इतिहास का सबसे ज्यादा एम्बिशियस, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे ज्यादा होलिस्टिक ऑथेंटिक प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें आपको प्री कम मेंस और उसके सारे एस्पेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। ध्यान रखना है दोस्तों कि जब प्रिलिम्स की हम तैयारी करते हैं तो बेसिकली नॉलेज बेस्ड होता है, क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और यदि आपकी नॉलेज ज्यादा है तो आपके सफल होने की ज्यादा संभावना है। लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस पूरी तरह प्रेजेंटेशन है, और मेंस में हो सकता है कम नॉलेज के साथ भी हम सफल हो जाएं, और हो सकता है ज्यादा नॉलेज के साथ भी हम सफल ना हो पाए। अप्रोच बहुत जरूरी है, होलिस्टिक तैयारी बहुत जरूरी है, और हमारी जो ये टीम है बहुत ही शानदार टीम, जिसमें अनुभव जोश दोनों का बहुत शानदार मिश्रण है, तो वो टीम आप में वो अप्रोच डेवलप करेगी जिससे आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाए, और बहुत कम ज्ञान में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो आप जरूर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, बहुत शानदार तरीके से आगे हम इस प्रोग्राम को लेकर चलने वाले हैं। आशीर्वाद सर, थैंक यू। थैंक यू मंजय सर, थैंक यू सर। दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर संजय सर भी हैं। डॉक्टर संजय सर, हमने अभी प्रीवियस लक्ष्य कार्यक्रम चलाया पीटी 2020 के लिए, उस कार्यक्रम की सफलता को देखा बच्चों ने, अब बताइए सर 21 में हम नया क्या करने वाले हैं, कैसे हम लक्ष्य से अलग करेंगे उड़ान कार्यक्रम को अपने सर? थैंक यू सर, आशीर्वाद सर। मैं सर बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि लक्ष्य प्रोग्राम जो हमारा लॉन्च हुआ था वो बहुत ही सफल रहा है, और अभी जो लॉन्च हो रहा है प्रोग्राम सर आज से जो है ये उड़ान प्रोग्राम, इसके लिए मैं अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म वो बच्चों को दे रहे हैं सर कि जहाँ वो अपने सपने को पूरी तरह से साकार कर सकता है। यानी एक ऐसी टीम उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है जो हिंदी मीडियम के बच्चों के रिजल्ट को बेहतर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को प्री के साथ साथ सर मेन से प्रोस से उसको डिस्कस किया जाएगा, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एजुकेटर्स को भी पूरी फ्रीडम है कि वो बच्चे को डेप्थ में जाके नॉलेज दे सके और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क कर सके बच्चों को। तो मुझे ये लगता है सर कि मैं या हमारी जो टीम हमारे साथ वर्क कर रही है ये नो डाउट हिंदी मीडियम के रिजल्ट को बेहतर करने जा रही है, जो अभी तक के इतिहास में शायद नहीं हो पाया है। बिल्कुल सर, टीम का पूरा प्लान है बच्चों, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाए। हम पूरा प्रयास करेंगे यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए, ना केवल क्वेश्चन आए, लेकिन बहुत सीधा मतलब है सर हमारे प्रोग्राम का, हम बच्चों में क्वेश्चन आए वो तो हम चाहेंगे ही, लेकिन बच्चे कैपेबल हो पाए, वो एनेबल कर पाए अपने आप को एग्जाम के तैयार कर पाए, और एग्जाम के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आए उसको डील कर पाए, ये हमारी टीम का लक्ष्य होगा। अमित सर हमारे साथ, अमित सर बताइए मुझे किस लक्ष्य से कैसे रणनीति अलग लेकर आ रहे हैं इस बार आप, और क्या अलग रहेगा प्री कम मेंस के लिए सर? सर थैंक यू वेरी मच आशीर्वाद सर। हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं यार? वेलकम टू अनअकैडमी यूपीएससी, एंड थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, हमारा जो लक्ष्य का जो प्रोग्राम था उसकी सफलता में आप सबका योगदान रहा, उसी की मदद से हमारा लक्ष्य प्रोग्राम काफी सफल रहा है। अब हमने देखा कि इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में लक्ष्य प्रोग्राम कम से कम 70% से भी ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाया था, और सर हमने यही देखा कि वो इसलिए था क्योंकि वो एक स्टूडेंट सेंट्रिक प्लान था। सर इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए 2021 के जो बच्चे हैं, जो 2021 में प्रीलिम्स और मेंस देंगे सर, उनके लिए हम प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं
जिसमें बेसिकली हम पूरी की पूरी विस्तृत तैयारी करवाएंगे हर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से अलग अलग। आइडिया वही रहेगा कि सर स्टूडेंट सेंट्रिक रहे बेसिकली, अगर हमारे को स्टूडेंट पे फोकस करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स पे, वो किस प्रकार से, उसकी क्या क्या जरूरतें हैं, जो कि हमारा उद्देश्य लक्ष्य में रहा था, यहीं पर हमारा यही उद्देश्य उड़ान 2021 में भी रहेगा। हम चाहते हैं कि इस बार जो मेंस जीएस का मेंस का पेपर होगा उसमें कम से कम 400 से भी ज्यादा नंबर वो क्या कहते हैं ऊपर स्कोर कर पाए, और प्रीलिम्स में जैसे लक्ष्य में 70% हमने सर कर दिया, हमारा इस बार और ज्यादा उसमें बढ़कर मेहनत की जाए और कम से कम 80% से ज्यादा क्वेश्चन उड़ान 2021 में आएंगे, यही हमारा उद्देश्य होगा सर। लक्ष्य की सफलता भी स्टूडेंट सेंट्रिक थी और हमें लगता है कि उड़ान की जो सफलता होगी वो स्टूडेंट्स के सपोर्ट के साथ और स्टूडेंट सेंट्रिक फोकस करने के बाद ही होगी सर। और इसी के लिए सर हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है सर अनअकैडमी के, हम उनको इस प्रोग्राम से जोड़ रहे हैं, और बीच में जो पीछे जो गाइडेंस देंगे स्टूडेंट को, मेंटरशिप देंगे, वो पहले ही कम से कम सर 10,000 से भी ज्यादा लोगों को एक्चुअली में मेंटर कर चुके हैं। तो हमें डेफिनेटली यकीन है कि उड़ान 2021 इस साल का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जीएस का प्रोग्राम होगा सर। और मुझे ये भी कहना है सर स्टूडेंट से कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 250 दिन बचे हैं, तो मतलब जो भी डिले करेगा वो एक्चुअली में नुकसान पे जा सकता है। अब जितनी जल्दी हो सके एक विस्तृत प्रोग्राम के लिए जो डिमांड थी मार्केट में, उसी को पूरा करने के लिए अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी की टीम स्टूडेंट्स के लिए उड़ान 2021 लेकर आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू मिस्टर सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बताया बच्चों को इस बारे में। तो सर, सर मैं सुमन सर से जानना चाहूंगा। सुमन सर, करंट अफेयर्स आप लेते रहे हैं, पॉलिटी बात करते हैं, आप एक ऑलराउंडर पर्सन है सर, बताइए सर कैसे हम लोग अपनी टीम में इस बार नया कर रहे हैं, कैसे कुछ पॉइंट्स विशेषकर इस बार एग्जाम को देखकर, आपने देखा होगा पेपर देखा होगा, कौन से नए पॉइंट ऐड करना चाहते हैं इस बार, आप क्या नया जोड़ना चाहते हैं हमने इस बार की तैयारी में? सर हमारा जो प्रिपरेशन रहेगा वो पूरा एग्जाम फोकस्ड रहेगा। हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो चीजें ओवरलैप होती हैं उनको पढ़ेंगे साथ में, और जो चीजें अलग हैं जैसे कि आपका इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह है, तो जो टॉपिक्स हमारे हैं पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा समय है, जो लक्ष्य था वो पूरा प्रीलिम्स फोकस था, जो हमारा उड़ान है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, जिसका आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो पढ़ाई है वो यहाँ पर होगी। आपको करना क्या है, आपको जो हमारे लेक्चर्स हैं वो देखने हैं डेली, और साथ में जो नोट्स है बनाते जाना है। मैं हूँ संजय सर, आशीर्वाद सर, आदित्य सर, सभी टीचर्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं जो अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। बेस्ट का मतलब हर जो हमारे टीचर हैं वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। ये नहीं कि हमने कौन में यहाँ से आपको सब कुछ यहाँ पर एक जगह अवेलेबल होगा, और जो करेंट का हिस्सा है आपको मैं करवाऊंगा, और सवाल क्वेश्चंस हमारे यहाँ से आते हैं, आपको मैंने पहले भी दिखाया है, मैंने आपको जो YouTube की जो क्लास है उसका लिंक, उसका स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया है कि हाँ देखो यहाँ सवाल आए हैं, फुल ट्रांसपेरेंसी। वो बच्चे लोग सकल नहीं दिखे, क्या हमारा प्रोग्राम भरोसेमंद है? बिल्कुल भरोसेमंद है। क्या आपने पहले ऐसा किया है? जी हाँ, हमने आपके लिए पहले डिलीवर किया है, हम आपको अभी डिलीवर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है उड़ान, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सर। थैंक यू सुमन सर, थैंक यू सर। एपी सर, बच्चों भी फेमस हो चुके हैं, एपी सर, आदित्य प्रकाश सर, आपसे जानूंगा सर मैं, उड़ान कार्यक्रम में सर क्या रणनीति हमारी रह सकती है, और सर कैसे हम अलग तैयारी करेंगे बाकी यूट्यूबर जो चलते हैं, बाकी यूट्यूबर तैयारी जो होती है, हमारी टीम बहुत सिंसियर टीम है सर, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे यंग लोग हैं, कैसे हम लोग तैयारी को अलग कराएंगे बच्चों के लिए इस बार सर? थैंक यू सो मच आशीर्वाद सर, मैंने हमेशा अपने पिछले 3 दिन के लेक्चर में कहा, आज भी कहता हूँ, 11 अक्टूबर का यह दिन उन बच्चों के लिए एक निर्णायक और ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है जिन्होंने इस बात का संकल्प लिया है कि 2021 में सिविल सेवक के रूप में अपने को इस देश में प्रतिस्थापित करेंगे। मैंने सदैव कहा है कि अनअकैडमी के लिए अगर सबसे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है तो इट इज द रिजल्ट ऑफ देयर स्टूडेंट, और उसके लिए बीइंग एन एजुकेटर और अभिभावक के रूप में हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, शर्त केवल एक है, उड़ान 2021 में बच्चों को जोड़ने के लिए आप तब तक नहीं रुकोगे जब तक आप अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर लेते। और जहां तक उड़ान 2021 की बात है, सिविल सेवा की बात है, मैंने सदैव इस बात को कहा है, आज भी कहूंगा मंजीत सर के नेतृत्व में, कि अगर सिविल सेवा में सफलता पानी है तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उन महत्वपूर्ण विषयों में भारत का संविधान है, भारत की पॉलिटी है। आप प्रीलिम्स ले लें, आप मेंस ले लें, आप एशिया का कंटेम्प्रोरी अफेयर ले लें, इंटरव्यू बोर्ड ले लें, जब आपकी व्यक्तित्व के, आपके सोच की, आपके अंतर्मन, आपकी दूरदर्शिता, आपकी कर्तव्य परायणता की जब इंटरव्यू बोर्ड अवलोकन करता है कि आप क्या ब्यूरोक्रेट के रूप में सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर एक पॉलिटी एक सब्जेक्ट के रूप में आपको तैयार करती है भविष्य के लिए।
उड़ान 2021 की अगर मैं स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की बात करूं और संक्षिप्त में अपनी स्ट्रेटेजी की बात करूं इंडियन पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जो भारत का संविधान है वह इस देश के सपने, इस देश की उन्नति, इस देश की शासन व्यवस्था की जननी है। और जब मैं भारतीय संविधान की बात करता हूं तो हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होनी चाहिए, जीवंत तो होनी चाहिए, क्योंकि संविधान एक लिविंग सब्जेक्ट है सुप्रीम लॉ के साथ जो स्वयं को बदलता है। तो जब मैं संविधान की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि हमें संविधान के कॉन्सेप्ट और संविधान की फिलॉसफी को समझना होगा, क्योंकि जब तक आशीर्वाद तक हम संविधान की फिलॉसफी को नहीं समझेंगे हमारा आंसर कंस्ट्रक्टिव और क्रिटिकल नहीं होगा। और सिविल सेवा में सफलता का एकमात्र मूल मंत्र है आपका आंसर कितना कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है। अगर मैं संक्षिप्त में केवल भारत की प्रस्तावना की बात करूं तो जब इस देश के लाखों बच्चे भारत की प्रस्तावना पर यह लिख के आएंगे कि भारत की प्रस्तावना 87 शब्दों में बताई गई है और भारत की प्रस्तावना में केशव नंदा बेरूबरी की बात है, तो मेरे और मंजीत सर के नेतृत्व में उड़ान 2021 का बच्चा यह सीखेगा कि संविधान निर्माताओं ने क्या डिबेट की। और 1947 से लेकर 2019 में अगर CAA को लेकर प्रोटेस्ट हुआ तो प्रस्तावना की क्या महत्व है और प्रस्तावना को लेकर हम संवैधानिक सपने की क्या बात करते हैं। तो उड़ान 2021 का केवल एक मोटो है आपको तैयार करना, अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो इंडियन पॉलिटी के फिलॉसफी उसके कंटेंट के लिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी से आशीर्वाद सर जोड़ लेंगे, प्रीलिम्स की ऑब्जेक्टिविटी हो, मेंस की सब्जेक्टिविटी हो, एसे पोर्शन का कंटेम्पोररी अफेयर हो या इंटरव्यू बोर्ड के वो कठिन से प्रतीत होने वाले सवाल, आप सब कुछ खत्म कर लेंगे। तो अगर उड़ान 2021 की बात करता हूं, ये तो स्पेसिफिक रणनीति की बात है। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल अकेडमी यूपीएससी हिंदी चैनल, आलोक सर, जिन्होंने हम टीचर्स को एक ग्रैंडियोज अपॉर्चुनिटी ओकेजन प्रोवाइड किया कि हम अपने बच्चों को अगले एक साल तक एक विस्तृत तैयारी करा सकें। सो एट उड़ान बी इन टोटैलिटी इन अ टीम स्प्रिंट आर विद यू, लेकिन शर्त यही है कि हम आपके साथ तभी तक खड़े हैं जब तक आप तैयार हैं सफल होने के लिए। तो थैंक यू सो मच आशीर्वाद सर, थैंक यू सो मच उड़ान, वी आर सो मच एक्साइटेड। थैंक यू एबी सर, बच्चों बहुत मोटिवेशन लगा आपकी बात सुनकर, वो जोश देखा उन्होंने, मंजे सर का एक्सपीरियंस देखा, संजय सर की बातें सुनी। अब हम बात करेंगे शुभ और शुभम से सर, शुभ और शुभम दोनों है हमारे पास चैनल में। शुभ सर क्या बोलेंगे बच्चों के लिए उड़ान कार्यक्रम में, सर क्या है हमारे पास नया सर? थैंक यू आशीर्वाद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों यहाँ पे जो उड़ान 2021 लॉन्च किया गया है वो टोटल आप लोगों के लिए बेस्ड है, आप लोगों की एजुकेशन के बेस्ड है, और मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपने 50% काम कर लिया है कि आज आप लोग यहाँ पे आ गए हैं। आप लोगों ने अपना मोटिवेशन दिखा दिया बच्चों कि हाँ जी हम इंडिया का सबसे अच्छा एग्जाम देने के लिए रेडी है, प्रिपेयर्ड है। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस फैकल्टीज सारी एजुकेशन सारे एंथुसियाज्म के साथ लगी हुई है। अगर आप बात करेंगे आशीर्वाद सर ऑलवेज बेस्ट, हमारे साथ सुमन सर हैं, हमारे साथ संजय सर हैं, रुद्र सर हैं, अभी आप लोगों ने एपी सर को सुना, आपके साथ एक्सपीरियंस मंजेश सर हैं, शुभम सर हैं, सभी लोग हैं बच्चों, सब एक टीचर, हर एक टीचर अपना बेस्ट लेवल बहुत सारे हार्डवर्क के साथ आ रहा है, सिर्फ उनका एक पर्पज है कि आप लोगों को एक बार में प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करवाना है। इसीलिए सारी चीजें आपके सामने रखी गई हैं। मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमी का सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूं बच्चों। अगर हम पुराने टाइम से देखते जाएं तो आपने देखा होगा कि धीरे 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 प्रोपोर्शन इकोनॉमी का बढ़ता जा रहा है। हर एक पेपर में हम देखते हैं तो इकोनॉमी, चाहे हम मेंस की GS3 की बात कर ले या फिर हम प्रीलिम्स की बात करें, तो उसमें हमारा प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। तो उस समय पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सर इकोनॉमी इज अ क्वाइट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सर कैसे पढ़े, इतना वास्ट एरिया है कैसे इसको कवर करें। तो बच्चों टेंशन लेने की बात नहीं है, सारी चीजें हमारे साथ यहां पर ही होगी, और मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग पूरे सेम डेडिकेशन सेम मोटिवेशन के साथ यहाँ पे ज्वाइन करोगे। साथ में बात करते हैं बच्चों अगर उड़ान 2021 की, तो यहाँ पे हमने सीखा हुआ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं सारी चीजें हर एक टीचर्स के साथ अवेलेबल है। और अगर हम पुराने समय पे जाएं तो 2020 की बात करें तो कुछ अच्छा नहीं रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने उस डेडिकेशन उस लेवल के साथ पढ़ाई नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ COVID-19 एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो बेसिकली उन सारी बातों को हमें भूल जाना है, सारी चीजें छोड़नी है, अब साथ में 2021 के लिए लग कर पढ़ाई करनी। साथ ही मैं बोलूंगा सभी टीचर्स से कि थैंक यू वेरी मच सभी लोग की, आप लोगों ने मेरे को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, मैं अपनी तरफ से पूरा डेडिकेशन दूंगा आप लोगों को कि जिससे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट द थिंग इज कि हमको ही करके दिखाना है, बिकॉज अगर हम बात करें हम ही वो पर्सन है जो हमारी इकोनॉमी को आगे लेकर जाने वाले हैं। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फैकल्टीज, ओवर टू यू आशीर्वाद सर। थैंक यू शुभ सर,
बच्चों आपका मैं चैट बॉक्स दिख रहा हूँ, बच्चों का सवाल है सर टाइम टेबल क्या होगा। दोस्तों आपको टाइम टेबल कल सुबह मिल जाएगा पूरा, कौन सी फैकल्टी किस सब्जेक्ट को किस समय लेगी, किस सब्जेक्ट में होगा उनका एक्सपर्टीज, तो हम कल आपको मिल जाएगा शेड्यूल। दोस्तों बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको टाइम टेबल पूरा कल सुबह तक मिल जाएगा आपको। दोस्तों जुड़ते हैं सर शुभम सर के साथ। शुभम सर उड़ान को लेकर आपकी क्या जोश है, क्या करना चाहते हैं सर, प्लीज शुभम सर टेल मी। आशीर्वाद सर थैंक यू वेरी मच। मैं सभी स्टूडेंट्स जो हमको इस समय देख रहे हैं उनका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप आज ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए हैं जहां से कि आपकी जो सफलता का सफर है उसका हम कहते हैं कि वो सफर आज आपका शुरू होने वाला है। तो दोस्तों अगर हम एग्जाम की बात करें तो तकरीबन 7 से 8 महीने का वक्त जो है वो शेष रह गया है हमारे 2021 में होने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों समय थोड़ा कम है तो अब हमें नेसेसिटी है, हमारी जरूरत है एक सिलेक्टिव और गाइडेड स्टडी करने की। हमको बहुत सिलेक्टिव तरीके से, बहुत ही गाइडेड तरीके से, समझदारी से चीजों को पढ़ना है ताकि कम समय का ज्यादा अच्छे से उपयोग करके हम लोग अच्छे से 2021 के एग्जाम को प्रिपेयर कर सके। बस यही उद्देश्य है यूपीएससी उड़ान 2021 प्रोग्राम का। दोस्तों आपने सुना है हिंदुस्तान के बेस्ट एजुकेटर्स को, बहुत एक्सपीरियंस बहुत ट्रेंड लोगों को अभी जस्ट आपने सुना है। आप आशीर्वाद सर को देख रहे हैं, आप संजय सर को देख रहे हैं, सुमन सर ने आपसे बात की, अमित सर, गौतम सर, शुभ सर, मंजेश सर, इन सभी लोगों ने आपको बहुत डिटेल में बताया है। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है उसके साथ जुड़कर, उसके साथ मिलकर हम और आप मिलकर इस 2021 में होने वाले प्री और मेंस को इतने अच्छे से पढ़ लें। दोस्तों कि इस बार हम ये ठान कर बैठे कि अगर हमने जो ए अटेम्प्ट देना है तो इसको हमने क्लियर करके जाना है, इसको एक डमी अटेम्प्ट के रूप में हम नहीं देखना है। तो दोस्तों 2021 का उड़ान प्रोग्राम जो है वो आपकी एक ऐसी उड़ान की ओर आपको लेकर के जाएगा जहां के बाद आपका जो भविष्य है बहुत सुनहरा होने वाला है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और आगे आने वाले 10 या 11 महीने आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बहुत सफलता के साथ हम और आप मिलकर 2021 के प्री और मेंस की तैयारी करेंगे। थैंक यू आशीर्वाद सर, ओवर टू यू। थैंक यू शुभम सर, थैंक यू शुभम सर। दोस्तों कल हमने देखा रुद्र M1 मिसाइल लॉन्च होते हुए, अभी हम जानेंगे रुद्र सर से उड़ान कार्यक्रम को लॉन्च करते हुए। रुद्र सर क्या है आपके विज्ञान की भाषा में आज का प्रोग्राम सर बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू। रुद्र मिसाइल बिल्कुल लॉन्च की जा चुकी है और मीटियोर मिसाइल की तरह रुद्रम मिसाइल भी जो है, रुद्रम नाम से मिसाइल है, ब्रह्मोस की तरह ये एक टॉर्पिडो मिसाइल रहेगी। तो देखिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ संक्षिप्त पंक्तियों से बात करना चाहता हूँ। पूर्व चलने से बटो ही बाट की पहचान कर ले, जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं उसके लिए आपको रणनीति की आवश्यकता है। आपने सुषमा स्वराज के बारे में सुना होगा, शी इज अ लेडी जो नेता प्रतिपक्ष पूरे के पूरे अपने कंटेंट के साथ में तैयार होकर आती थी। जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आप पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो आपकी दोस्तों, इसके लिए स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप लोग अपने पूरे विषय वस्तु अपनी सामग्री को पूरी तरह से तैयार कर लें और इसके लिए हमारे फैकल्टीज एक 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 पॉइंट एक एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। अब देखिए आपकी सबसे बड़ी समस्या जो हिंदी माध्यम स्टूडेंट की है वो यूपीएससी से ही लड़ता है, लेकिन देखिए कमी कहाँ है, कमी है कहीं ना कहीं विषय सामग्री में। और पूरे इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को आपको जो इंग्लिश माध्यम के कंटेंट में उनको ज्यादा एनहांसमेंट है, उनको जो एक टेक्निकल एज है वो हम लोग यहाँ पर हिंदी माध्यम से देंगे, तो बिल्कुल आपको सब कुछ मिलेगा। अब देखिए एक टाइम टेबल वाली बात बार बार मैं कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, तो देखिए टाइम टेबल का आपको वीडियो के इनिशियल में एक छोटा सा स्मॉल वीडियो मिलेगा और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन जो है फैकल्टीज किस टाइमिंग में फैकल्टीज क्लासेस लेंगे। आपको एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ कि देखिए हिंदी माध्यम उसके दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन में उनकी बुद्धिमानी में कहीं कमी नहीं है, कोई कमी है तो बस वो विषय वस्तु की। और हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी के एक एक पॉइंट को आपके साथ चर्चा परिचर्चा करेंगे। एक काम जरूर आप सभी दोस्त कर लेना, टेलीग्राम चैनल हमारे इस चैनल का होगा यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी, तो यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी नाम के चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, ताकि हमारे जो पीडीएफ हैं All the PDFs from our faculties, आपको वो हिंदी में मिल सके ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पे तैयारी कर सकें। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी PDFs को वहां पर प्रदान करें, शेड्यूल्ड मैनर में आपको सब कुछ बता सकें। तो समावेशी और सार गर्भित शब्दों में आंसर कैसे लिखना है इसके लिए प्रिलिम्स और मेंस दोनों के कंटेंट्स आप लोगों के लिए हम लोग लाएंगे। सो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको आंसर राइटिंग पर भी काम करना है दोस्तों। तो मैं यहीं पर अपने आप शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू आशीर्वाद सर।
थैंक यू रुद्र सर, थैंक यू मंजर सर, बैक टू यू, आप पर आऊंगा मंजर सर, आपके अनुभव का वायदा बच्चों को लक्ष्य कार्यक्रम में मिला। अब बताइए सर, ये जो कार्यक्रम हमारा है 2021 का, ये 20 में वो बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं लेकिन डाउट में कि होगा कि नहीं हो, उनके लिए भी है, 21 के बच्चों के लिए भी है, क्या इसे 22 के बच्चे कर सकते हैं सर? तो बताएं सर, कौन कौन जुड़ सकता है इस कार्यक्रम से हमारे साथ सर? थैंक यू आशीर्वाद सर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है कि इससे बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे। तो जैसा सबसे शुरुआती दौर में भी हमने बताया और हमारे सारे एजुकेटर ये बात कह रहे हैं कि बेसिक जो हमारा इसमें फोकस है वो आपके अप्रोच बिल्डिंग पे है। इसका मतलब हमारा फोकस यहाँ पर आपको यूपीएससी के लिए पूरी तरह तैयार करना है। और ऑब्वियसली यूपीएससी जैसा एग्जाम जिसको मदर ऑफ एग्जामिनेशंस कहते हैं, तो वो 6 महीने 1 साल की तैयारी में नहीं हो सकता, उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए जो 2022 का एग्जाम देना चाहते हैं, 23 का एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए कि 80% चीजें तो वही रहेंगी और अप्रोच बिल्डिंग का काम जो हम करने वाले हैं, हमने पहले भी कहा कि मेंस में कम नॉलेज में भी एक स्टूडेंट सफल हो सकता है और ज्यादा नॉलेज होने पर भी वो सफल नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है कि अप्रोच क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, वो एक दिन में डेवलप नहीं होती, उसको डेवलप होने के लिए लंबा समय होता है। तो जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं 22 को, उनके लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है और 21 वालों के लिए तो खास करके उपयोगी होने ही वाला है। तो ये सबके लिए उपयोग है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो बिगनिंग करना चाहते हैं, जो 12th में है, ग्रेजुएशन में है, वो भी इसको देखें, क्योंकि इस तरह के एजुकेटर्स शायद एक साथ आपको बहुत कम मिल पाए, तो सबके लिए लाभदायक होगा, बिल्कुल होगा। थैंक यू सर मंजर सर। डॉक्टर संजय सर, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, जैसा कि हम जान रहे हैं अभी ये बहुत क्लियर हो चुका है कि कोरोना भी रुकने वाला है, कोरोना भी खत्म नहीं हो रहा है, बच्चों को घर में ही रहकर तैयारी करनी होगी, तो ऐसे में अगला जून वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो बच्चों में पड़ने वाला है उसमें घर में रहकर तैयारी करनी है, तो कैसे उड़ान कार्यक्रम बच्चों के लिए जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं, उनके लिए कैसे अच्छा रहेगा कार्यक्रम सर ये? थैंक यू सर, मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि ये अनएकेडमी की तरफ से बहुत बड़ा प्लान है उनके फ्यूचर को लेकर। और ऐसे दौर में जब COVID-19 की वजह से आपकी पूरी इकोनॉमी, पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अनएकेडमी ने यूपीएससी के बच्चों के लिए जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया सर, मुझे लगता है कि बच्चों के लिए अपने घर पे रहकर इतने बड़े बड़े एजुकेटर की सुविधाएं उनको मिलने वाली है, जिनके माध्यम से अपने सपने को सच कर सकते हैं सर। और सबसे बड़ी बात, इसमें प्री के साथ साथ मेंस का अप्रोच भी रखा गया है, यानी घर पे रह के वे यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है सर कि वो पूरी तरह से अब उनके लाइफ में कोई बहाना नहीं रह जाएगा कि नहीं मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, वो अपने सपने को पूरी तरह से साकार कर सकते हैं और घर से बाहर निकलने की सर एकदम जरूरत नहीं है, शिक्षा उनके द्वार पर है, इसका लाभ उन्हें लेना चाहिए। थैंक यू सर। दोस्तों हमारे साथ कुमार मयंक सर जुड़ गए हैं। सर मयंक सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? यस सर, आ रही है आवाज। थैंक यू मयंक सर, जुड़े आप हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। मयंक सर, आप बच्चे जानना चाह रहे हैं आपसे कि सर क्या रहेगी रणनीति आपकी इस बार, कैसे हम लोग लक्ष्य से अलग करेंगे और कैसे बहुत बेहतर कर सकते हैं उड़ान में सर? कुछ प्रॉब्लम है एक्चुअली, आज थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल था, तो आज यूपीपीसीएस का एग्जाम भी था बच्चों का, पहले तो यूपीपीसीएस देने वाले बच्चों को लिए ऑल द बेस्ट, उनका एक पेपर हो चुका है, जीएस फर्स्ट पेपर, ये सेकंड में जो पेपर जा रहे हैं बहुत बढ़िया तोड़ करके आएंगे। और यूपीएससी प्लान 2021 के जरिए, ताकि मैं देख पा रहा हूँ लाइन में, और आशीर्वाद सर, आपका ऑडियो थोड़ा मिस हो रहा है सर, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा ऑडियो ठीक ठाक करें, मैं बात करता हूँ, बाकी जुड़े हुए हैं सर अभी भी। अमित सर, मेरी आवाज पहुंच रही है अमित सर अब तक? सर बिल्कुल। अमित सर, करंट अफेयर्स को लेकर रणनीति क्या रहने वाली है इस बार आपकी अगले उड़ान कार्यक्रम में अपने सर? सर, लक्ष्य से जो हमने सीखा है कि हमारे जो लक्ष्य प्रोग्राम था सर, उसके जो करंट अफेयर्स का हमारा प्रोसेस था, एक तो हम डेली करंट अफेयर्स कराते थे सर, और एक शाम को आप जो करंट अफेयर्स बच्चों को कराते हैं सर, तो हमने वहां पे काफी इस बार जितने भी करंट अफेयर्स जो भी उन्होंने आज यूपीएससी ने बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम से अलग अलग सोर्सेज से उठाया, तो हम सक्सेसफुल थे क्योंकि एक टीम की तरह काम करने की वजह से हम वो सारे के सारे करंट अफेयर्स को कवर कर पाए थे। इस बार भी हमारा उद्देश्य यही रहेगा सर कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी यूपीएससी ने सोर्सेज यूज किए हैं, बेसिक सोर्सेज, एनसीईआरटी जो यूज करते हैं या जो
स्टैंडर्ड बुक्स यूज करते हैं और जितने भी स्टैंडर्डाइज्ड जो न्यूज़पेपर्स हैं यूपीएससी पसंद करता है उनको बेस बनाकर सर स्टूडेंट्स को एक कॉम्प्रिहेंसिवली इजी लैंग्वेज में ये प्रिपेयर कराया जाए। मैं से एक बार रुकूंगा प्लीज किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज सर ऑडियो ऑफ कर दें बाकी लोग सब प्लीज सबसे निवेदन है मेरा कि बाकी सब ऑडियो ऑफ कर दें अपना प्लीज सर। मैं सर कैरी ऑन सर तो ये हमारा सर मेन उद्देश्य करंट अफेयर्स के बेसिस पे यही रहेगा सर कि दोनों तरफ से एक तो जो डेली करंट अफेयर्स है और जो पीछे का उनका बैकग्राउंड भी है। अभी आजकल सर दूसरे चैनल्स क्या कराते हैं सर एक दिन का बस अखबार पढ़ा के चले जाते हैं सर। हमारा उद्देश्य करंट अफेयर्स पर ये रहेगा स्टूडेंट्स कि करंट अफेयर तो आपको पढ़ाया जाए और उसका पूरा पिछले एक साल का जो बेस है जो अंदर से उसका जो कंटेंट है जो कि यूपीएससी आजकल कॉन्सेप्चुअल बेसिस जो बना रहा है उसको भी बताया जाए। स्टूडेंट्स को समराइज करने के लिए मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो उद्देश्य होगा उड़ान 2021 आखिर है क्या। उड़ान 2021 प्रीलिम्स 2021 और मेंस की पूरी विस्तृत तैयारी कराने का प्रोग्राम है। ये बात ध्यान रखिएगा जो कि अन अकेडमी यूपीएससी हिंदी पर कराया जाएगा। दूसरा ये बाइलिंगुअल है। आप बड़े सारे से पूछ रहे हैं किस प्रकार की भाषा में होगा, किस सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है। जी नहीं, दोनों भाषा के जो छात्र हैं उन दोनों को इसमें फायदा होगा। फीस इसके लिए कोई फीस नहीं है, ये यूट्यूब पर होगा, सारी की सारी तैयारी होगी, आपको पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप भी, आपको साथ टीचर्स को टच भी कराया जाएगा, आपके साथ बने रहेंगे हम, हर स्टेप पर जो जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है ना उसमें उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेगी पूरी की पूरी टीम। साथ में एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूं स्टूडेंट्स को, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स जो पूछ रहे हैं कि कैसे जुड़ेंगे, उनको वो नहीं मिल पा रहा है। स्टूडेंट्स मैं आपकी स्क्रीन पर इस समय आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप के डिटेल डाल रहा हूं, ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए और इस टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा आपको सारी की सारी यूपीएससी मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि वो इसका शेयर लिंक शेयर कर दे और अभी चैट बॉक्स में, तो बच्चे इससे लिंक करके क्लिक करके सीधे आ पाएंगे। तो टेक्निकल टीम मुझे सुन रही है तो प्लीज क्लिक कर दीजिए, लिंक दे दीजिए यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे चैट बॉक्स में, इससे बच्चे क्लिक करके सीधे पहुंच पाएंगे। मैं आऊंगा सर, अमित सर आप लौट के आप एक सवाल मंजेश सर पर लौट के आऊंगा सर। मंजेश सर जुड़े हुए हैं मेरे साथ अभी, मंजेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, म्यूट। दोस्तों मैं एक बार आता हूँ बाकी लोग पास सबके पास। मंजेश सर अभी दो दिन पहले आपके चाय पे चर्चा हो रही थी हमारी आपके साथ बैठकर, तो एक 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 बात निकल के आई थी कि क्या नए सोर्स आ गए पढ़ने वाले, उस पर थोड़ा मैं क्लियर कीजिए बच्चों को यहाँ पर कि जो हम परंपरागत सोर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, किताबों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, ट्रेडिशनल हर टीचर बताते हैं, संजय सर बताते हैं, बाकी सभी फैकल्टी बताते हैं क्लास के अंदर ये बुक्स पढ़नी है, तो क्या इस बार के एग्जाम को देखने के बाद उसमें कोई परिवर्तन हमको लाना है या हम लोग उन्हीं किताबों को और ढंग से पढ़ने वाले हैं, क्या अंतर आया? सबसे बात हो रही थी, मैं इसमें चाहूंगा उस बात पर चर्चा करें यहाँ पर सर। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज की ओर आपने आशीर्वाद सर ध्यान दिलाया और मैं समझता हूँ दो या तीन दिन पहले ही चाय पर हमने इस पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कि इस बार का जो हमने प्रीलिम्स का क्वेश्चंस देखा तो उसमें एक चीज हमारी और आशीर्वाद सर दोनों की ये निष्कर्ष थी, एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट सब कुछ हमने देखा इस एग्जाम को, कि ये जो एग्जाम है इसमें अब फिर से बुक रीडिंग की मांग करता है, बुक रीडिंग की मांग करता है। इसका मतलब कि जो ट्रेंड है वो फिर से यूपीएससी ये चाहती है कि आप कुछ ऑथेंटिक किताबें जरूर पढ़ें और एक जो कहते हैं कि बैक टू बेसिक्स उसकी ओर ये एग्जाम दिखाता है। पिछले एक दो सालों तीन सालों का ट्रेंड ये साफ दिखा रहा है कि अब आप केवल इंटरनेट केवल साइट्स पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको ओरिजिनल बुक रीडिंग करनी होगी और यदि आप ओरिजिनल बुक रीडिंग नहीं करते हैं तो फिर आपको ऐसे टीचर्स के टच में आना पड़ेगा और ऐसे टीचर्स से पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने की ओरिजिनल बुक रीडिंग की है, क्योंकि सवाल वहां से खूब आ रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा अवसर है दोस्तों आपके लिए कि आपके साथ ऐसे टीचर्स हैं जो काफी अनुभवी हैं अपने फील्ड के, यंग हैं, अनुभवी हैं, सब तरह के लोग हैं और जिन्होंने एक्चुअल बुक रीडिंग की हुई है, तो आपको सजेस्ट करेंगे हम कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और जो किताबों से हमने पढ़ा है तो नेट और अन्य चीजें एक सप्लीमेंट हो सकती है लेकिन ओरिजिनल का कोई तोड़ नहीं है। तो बिल्कुल आशीर्वाद सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस कार्यक्रम में इसका खास करके ध्यान रखेंगे हमारे एजुकेटर्स कि हम एकदम ओरिजिनल सोर्स पर आधारित टीचिंग भी आपके साथ शेयर कर पाए। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। कुमार सर मेरी आवाज पहुंच रही है, माइक सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक सर, उम्मीद कर रहा हूँ नेटवर्क ठीक होगा आपका। आवाज सर माइक बंद है सर, प्लीज माइक ऑन कर लीजिए अपना। माइक सर, हाँ सर, यस सर बताइए सर, रणनीति क्या रहने वाली, उम्मीद कर रहा हूँ स्पष्ट होगी आवाज अब। यस सर, यूपीएससी 2020 का एग्जाम देखने के बाद तो बिल्कुल आपने सर जो बताया और मंजेश सर का जो अनुभव, मुझे लगता है कि बिल्कुल उसी उसी जो है स्टेप को फॉलो करने होंगे हम सभी लोगों को,
कि एक तो कन्वेंशनल रीडिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है इस बार के एग्जाम के लिए। हालांकि मैं एक बात सर जोड़ना चाहूंगा कि यूपीएससी तो कभी ट्रेंड को बिल्कुल फॉलो कर नहीं देता है, क्योंकि यूपीएससी का कोई ट्रेंड है ही नहीं एक्चुअली। यूपीएससी क्योंकि हर बार ट्रेंड जैसे ही हम लोग कुछ चेंज करते हैं वो खुद चेंज कर देता है, तो यूपीएससी का ट्रेंड यही है कि उसके चेंजेस को ध्यान में रखते हुए ही अपने आप को अपडेट किया जाए। तो जैसे मंजेश सर से मैं बिल्कुल पूरी तरीके से कंसेंट रखता हूँ, पूरी तरीके से एग्री हूँ कि मंजेश सर ने कहा कि ट्रेडिशनल टीचिंग के साथ साथ, ट्रेडिशनल रीडिंग के साथ साथ हमें कुछ अपडेशन को भी लिंक करना पड़ेगा। आशीर्वाद सर आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आप तो लगातार बच्चों के बीच लगातार करंट अफेयर्स प्रोग्राम को लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन माहौल बनाया है, और आज आइए से बच्चों को लगने लगा है कि यस अगर कोई हिंदी मीडियम में करंट अफेयर्स का बेहतरीन और बिल्कुल विशाल टीचर है वो आशीर्वाद सर हैं। और साथ साथ मैं जो देख पा रहा हूँ यूपीएससी 2021 की जो नई उड़ान की टीम है वास्तव में ये नई उड़ान की तरफ ले जाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने विषय जीएस थर्ड पेपर और इकोनॉमिक्स के साथ पूरा न्याय कर पाऊंगा। और जैसा कि आप लोगों का एक विशाल अनुभव है, हम लोगों का यंग जोश है, बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स भी शामिल हो गए, तो ये नए बच्चे जो जुड़ेंगे बिल्कुल भरोसे के साथ जुड़े। मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि भरोसा रखना ही होगा, और भरोसे के अलावा और कोई हमारे पास विकल्प भी नहीं है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर इतना विस्तृत प्रोग्राम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम नए जो न्यूकमर्स हैं या जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं जिनको अपनी कमियां नजर आ रही हैं वो इस टीम के साथ अपनी पूरी चीजों को पूरी कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा सब लोग लग करके पढ़ें और हमारी टीम का पूरा साथ दें, और हम लोग पूरी डेडिकेशन के साथ इन बच्चों के साथ लगे 2021 में एक नई उड़ान जो नाम दिया गया है पूरी तरीके से इस उड़ान को पूरा कर पाए। ओवर टू यू आशीर्वाद सर। थैंक यू मयंक सर बच्चों में जोश भरने के लिए। संजय सर, डॉक्टर संजय सर, मैं एक बार आऊंगा आपके सर। मयंक सर ने कहा कि नया अप्रोच नया ट्रेंड यूपीएससी हमेशा लाता है, लेकिन बीइंग एजुकेटर हम लोग थोड़ा सा अनुभव कर पाते हैं कि यूपीएससी क्या करने वाला है या किस कदम चलने वाला है। ये हमारा रोल भी होता है कि हम यूपीएससी एक कदम आगे यूपीएससी से हम लोग रहे, हम समझ पाए कि किस प्रकार ट्रेंड आ रहा है। तो सर आपका अनुभव क्या कहता है, अगले बार के पेपर क्या इसी ट्रेडिशनल मेथड पर होंगे, करेंट इनपुट बढ़ेगा या सेक्शन इक्वली बटेंगे? जैसे इस बार कुछ सेक्शन गायब कर दिया आयोग ने, तो क्या अगली बार भी ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कुछ ट्रेंडी रहेगा सर ये? थैंक यू आशीर्वाद सर। जैसा कि मयंक सर ने बताया कि यूपीएससी अपने ट्रेंड को लगातार चेंज करती रहती है, और मैं कहना चाहूँगा सर बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि उड़ान इसीलिए लॉन्च किया गया है कि यूपीएससी किसी भी तरह का ट्रेंड अगर चेंज करती है तब भी हमारा कोई प्लान फेल नहीं होगा, क्योंकि हम बच्चों को एक पूरी होलिस्टिक नॉलेज देने जा रहे हैं, पूरा एकदम डिटेल में उनको देने जा रहे हैं, और वो भी करेंट को ध्यान में रखते हुए जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है दोनों को जोड़कर हम चीजों को डिस्कस करेंगे बच्चों को, ताकि अगर यूपीएससी किसी भी तरह का अपना अप्रोच चेंज करता सर तो हमारा प्लान फेल ना हो पाए और बच्चे बेहतर रिजल्ट दे पाए। थैंक यू सर। जी सर, एपी सर जुड़े हैं सर हमारे साथ, अभी संपर्क टूट गया एपी सर से, कोई बात नहीं मित्रों, एपी सर टूट गया है, आएंगे सर हम लोग। रुद्र सर, रुद्र सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक सर? पहुंच रही है सर। थैंक यू सर, आपका वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा था पिछली बार, उम्मीद कर रहा हूं वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा इस बार। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। पहुंच रही होगी। रुद्र सर, आपने इस बार साइंस के क्वेश्चन देखे होंगे, लगभग 14-15 क्वेश्चन थे साइंस के। यस सर, बीइंग थोड़ी बहुत जानकारी में रखता हूं साइंस के बारे में। जी सर, ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे काफी हद तक, एप्लीकेशन वाला पार्ट ज्यादा था हमेशा की तरह यूपीएससी का। तो क्या हम लोग क्या करने वाले हैं अपने उड़ान कार्यक्रम में साइंस टेक में सर, क्या ट्रेडिशनल पे जाने वाले हैं या हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे जाएंगे अपने? सर देखिए, हमेशा मैंने जो देखा है उसमें बैलेंस्ड अप्रोच थी, और यहाँ पर जब एनसीईआरटी की बात करते तो एनसीईआरटी से भी 2-3 क्वेश्चंस थे डायरेक्टली, प्लांट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और इसके अलावा इस बार एडवांस जो मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजीज हैं उन पर भी क्वेश्चंस थे, नैनो टेक्नोलॉजी पर भी क्वेश्चन था, और पिछली बार 2019 में देखते तो हम लोग वर्चुअल टेक्नोलॉजी। इसका मतलब मैंने ये देखा कि सभी जगह बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है, नैनो टेक्नोलॉजी पर भी क्वेश्चंस हैं, बायोटेक्नोलॉजी पर भी हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर भी हैं, नहीं है तो फिर हमको मेंस में मिलेगा वो, तो सेक्शन हमको कंप्लीट कवर करना होगा, यदि प्रीलिम्स में नहीं है तो मेंस में आ जाएगा, तो हमें तो अपनी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ उतरना होगा, क्योंकि इट इज ऑल अनएक्सपेक्टेड, इट इज स्पॉन्टेनियस। आप लोगों को बिल्कुल त्वरित होना पड़ेगा कि किसी भी दिशा में से क्वेश्चन आ सकता है, वी हैव टू रेडी फॉर इट, हमें बिल्कुल तैयार रहना होगा, और इसके लिए हम सभी सब्जेक्ट को कवर करें। तो जब से ये क्लास स्टार्ट होगी, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कब से क्लास स्टार्ट होगी, मंडे विल बी द डेट, मतलब अगले ही दिन, कल से ही डेट स्टार्ट हो रही है। उड़ान प्रोग्राम का शेड्यूल वैसे तो 8 से लेकर रात के 12 बजे तक, हमारे आशीर्वाद सर रात में 12 बजे तक क्लास लेते हैं, ऐसा भी होगा यदि आपकी डिमांड होगी तो हम लोग जो है 5 बजे 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, 8 o'clock से मेरी क्लास आ रही है, तो सुबह से ही शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। तो देखिए, पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बैलेंस्ड अप्रोच है वो अपना कर ही हम चल सकते हैं। सो दिस इज माई आंसर सर। सर
शायद आशीर्वाद सर से लिंक टूट गया है। अमित सर कुछ बताएंगे आप प्रोग्राम के बारे में? थैंक यू वेरी मच सर। आशीर्वाद सर अभी हमारे साथ बनने वाले हैं। मैं आप सबको स्टूडेंट्स को ये बता देना चाहता हूं कि अब बातों का समय चला गया है, अब एक्शन का टाइम आ गया है। कर्म करना जरूरी है, बाकी फल जो आएगा वो हमारा अगले साल आएगा। उड़ान 2021 के बारे में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आप लोगों के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप लोगों को चीज़ों की कमी होती है कहीं पर पढ़ने में, इंस्टीट्यूट्स में, उसको पूरा करने का इस टीम का उद्देश्य है। साथ में ये भी उद्देश्य है कि तुम्हारा किसी भी तरीके से 80% से भी ज्यादा क्वेश्चंस जो हो प्रीलिम्स में वो हम कवर करवाएं अपने पूरे के पूरे सिलेबस के द्वारा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का प्रोग्राम नहीं होगा बल्कि मेंस के अंदर भी, क्योंकि मेंस और जीएस दोनों के दोनों रिलेटेड है। ये प्रोग्राम आपको मेंस की पूरी तैयारी कराएगा सारे सब्जेक्ट्स की। याद रखिएगा हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य जो प्रोग्राम था उसकी सफलता के कारण हमें उसमें जो फीडबैक दिया है स्टूडेंट्स ने, उसमें से जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं उन्होंने जो फीडबैक दिया है, तो हमने इसी के लिए दोबारा से हमने अगले साल के बच्चों के लिए उस डिमांड पे उड़ान 2021 किया है। साथ में आप जो टाइम टेबल के बारे में पूछ रहे हैं, आपके साथ इस समय चैट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को कई बार शेयर किया गया है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारे के सारे टाइम टेबल, क्लासेस के टाइमिंग्स, कोई भी नई क्लासेस उनकी नोटिफिकेशंस, क्लासेस के पीडीएफ्स या और किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट्स हो, वहां पर आप टीचर्स को अगर जरूरत पड़े तो उनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। सो प्लीज ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, उसके अंदर आपकी सारे के सारे जो डाउट्स है वो क्लैरिफाई करवा दिए जाएंगे और आपको जो सारे के सारे कंफ्यूजन है, नई जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में, इस समय सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, उन सबको कवर करा दिया जाएगा। तो उड़ान 2021 इस समय ज्वाइन करने का समय है। और कैसे करेंगे अब हम ज्वाइन? पहले हमें कल क्लास का टाइमिंग मिल जाएगा और साथ में अब हमें खुद का भी टाइम टेबल बनाना जरूरी है। प्रीलिम्स अगर आपने इस बार का देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 6 से 7 महीने की डेडिकेटेड कॉन्सेंट्रेटेड तैयारी की जरूरत पड़ेगी पेपर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस आ चुका है पेपर इस समय, काफी वाइड सोर्सेज से पेपर आ जाता है। जो लोग रट्टाफिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे वो इस बार काफी उनको मुश्किल हुई है पेपर करने में। तो हमें 6 महीने की जो डेडिकेटेड, जो एकदम टारगेटेड और फोकस्ड तैयारी चाहिए, उसके लिए आप कल से अनअकैडमी के यूपीएससी हिंदी चैनल पर आप हमारे साथ बनेंगे उड़ान 2021 के लिए। हमारे साथ आशीर्वाद सर जुड़ रहे हैं वापस। आशीर्वाद सर, सर म्यूट है। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। अमित सर कुछ नेटवर्क का इशू आ गया था। सर मैं बता रहा था बच्चों को कि उड़ान कार्यक्रम किस प्रकार उनके लिए अच्छा होने वाला है, इस बार हम लोग नया क्या करने वाले हैं और कौन कौन इस एग्जाम से जुड़ सकता है। तो दोस्तों कोरोना संकट चल रहा है, लेकिन अच्छी बात है अनअकैडमी आपके लिए इस चैनल पर लेकर आया है बिल्कुल फ्री कोर्स, कोई फीस नहीं दोस्तों, बिल्कुल यूट्यूब पर पूरा कोर्स, टीम कमिटेड है पूरा कोर्स कराने के लिए आपको, प्री का, मेंस का, करंट अफेयर्स, न्यूज, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर तैयारी पूरा हम लोग करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी हमारे पास, अनुभवी टीचर भी हैं, यंग ब्लड्स भी हमारे पास जो बहुत जोश में आपको चीजें कराएंगे दोस्तों। यानी बहुत एक अच्छा मिश्रण टीम तैयार की गई है, लगभग हर सब्जेक्ट के हमारे पास डिफरेंट फैकल्टीज हैं जहाँ आप लोग दोनों प्रकार सुन सकते हैं। क्विज होंगे हमारे पास, हमारी ऐप पे क्लास चलेंगी, हमारी बैलर में ऐप पर हम जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्विज सेशन हमारे होंगे रेगुलर आपके साथ, यानी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन हम लोग यहाँ लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और आप देख ही रहे, सुनी रहे, बहुत फैकल्टी लंबे समय से हमारे साथ, आप जान चुके हैं फैकल्टीज को, जो नई फैकल्टीज हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं, तो ऐसे में ट्रस्ट बनता है। और दोस्तों बीइंग अनअकैडमी हमने और चैनल को जो वादे किए पूरा किया, इस चैनल को जो वादा किया पूरा किया आपके साथ, आप गवाह हैं लक्ष्य कार्यक्रम के, आप जुड़े रहे हम लोगों के साथ, जानते हैं हम लोगों ने अपने वादे को पूरा किया है, तो कमिटेड है हम लोग टीम करने के लिए। मिड अक्टूबर दोस्तों, जून लास्ट में एग्जाम है, आपके पास 8.5 महीने का समय है, हार्डली 8.5 महीने, यानी सर ने कहा लगभग 250 दिन का समय, उंगलियों पर गिन सकते हैं तक कम समय बचा है दोस्तों। तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तैयारी करने की, आप सोच रहे हैं कि सोचेंगे दिवाली के बाद या दशहरे के बाद या कोविड का वैक्सीन लगने के बाद, तो वो दिन बहुत दूर है दोस्तों, अभी आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इसी जगह पर क्यों करनी चाहिए बताया मैंने, उसके एडवांटेज आपको यहाँ पर कंप्रेहेंसिव भी है, फैकल्टीज बहुत शानदार है और पूरा फ्री कोर्स है दोस्तों आपके लिए, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस शानदार कार्यक्रम में। सर मैं चाहूंगा, सर मंजेश सर जुड़े हमारे साथ, सर कुछ जोड़ना चाहे मेरी बात में, सर मैं कुछ गलत कहा हो तो प्लीज करेक्ट करें मुझे। नहीं नहीं, आपने जितनी बातें बता दी उसके बाद कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है, बहुत सब कुछ आपने बताया। और आखिर में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि शायद इस तरह का शो फिर दोबारा
यूट्यूब के इतिहास में इस तरह की यूपीएससी की तैयारी का इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना एक्सटेंसिव और इतना ऑथेंटिक, इतना प्रामाणिक शायद कोर्स ना आ पाए। तो इसीलिए जो 22 की तैयारी करना चाह रहे हैं, 23 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, वो भी जुड़े हैं, और 21 वाले तो जुड़े ही जुड़े, प्री वाले भी जुड़े, मेंस वाले भी जुड़े, सब कोई जुड़े हैं, और इस शो का आप लाभ लीजिए हम सभी के साथ। बहुत दूर तक हमें जाना है, मिलो जाना है, और जब तक मंजिल मिल ना जाए तब तक हमें चलते रहना है। थैंक यू सर। संजय सर, लास्ट लाइन। मैं तो सर बच्चों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है उड़ान के रूप में कि बच्चों को कहते हैं कि कर ले दुनिया मुट्ठी में, यानी उनके पास पूरा मौका है कि तो अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, जो उनके सपने हैं उसको जी सकते हैं। सर थैंक यू सर। जाने से पहले कोई लाइन सर, ऑडियो बंद है सर, प्लीज सर, जाने से पहले कोई बिल्कुल सर, मैं यही कहूंगा कि अगर सपनों की उड़ान को पूरी करनी है तो यूपीएससी उड़ान 2021 ज्वाइन ही करना होगा, और हर हाल में ज्वाइन करना होगा, इसके अलावा कोई विकल्प बच्चों के पास है नहीं। अगर YouTube पर विशेष रूप से एक बात जोड़ना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने जो पहल आर्थिक रूप से टूटे हुए बच्चों के लिए शुरू किया है उसका लाभ जरूर बच्चों को मिलेगा। जो फाइनेंशियली अभी टूटे हुए हैं लॉकडाउन में, वो जरूर YouTube चैनल को ज्वाइन करें और इसके जरिए अपने सपने को साकार करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। अमित सर। यस सर। बच्चे सुनना चाहते हैं, क्या है लास्ट बात कहना चाहेंगे सर यहाँ पर भी? सर मेरा बस उनसे यही कहना है कि स्टूडेंट्स, आप लोग अगर आप अर्जुन हो तो ये जो टीम है आपकी, ये सारथी होगी आपकी टीम की, आपके अपनी जर्नी पर ले जाने के लिए, अपने टारगेट पे, अपने उद्देश्य पे पहुंचाने के लिए आपकी सारथी बनेंगे हम। हम सारे जो टीचर्स हैं आपके सारथी की तरह, आप अर्जुन की तरह बस अपने टारगेट पर नजर रखिए, हमारे साथ आइए और मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही हम आपके साथ भी उतनी ही मेहनत करेंगे ताकि आप लोगों का जो सपना है सफल हो सके, आप लोग वो पा सके जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। सुमन सर, डाइवर्सिफाइड टीचर, बताइए सर क्या डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे लास्ट में, लास्ट लाइन में? सर चीजों को समराइज करते हैं, काफी समय हो गया है। सबसे पहली बात, क्लास कब शुरू होगी? क्लास शुरू होगी आपकी कल से, टाइम टेबल आपको कल सुबह मिल जाएगा। भाषा बायलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा। कौन लोग पढ़ेंगे? जो एग्जाम दे रहे हैं 2021 में, 2022 में, दोनों जो हमारे एस्पिरेंट हैं वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ाएंगे सर? प्रीलिम्स का, मेंस का, सब कुछ पढ़ाएंगे आपको। नोट्स बनेगा? बिल्कुल नोट्स बनेगा। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको हर विषय के बेस्ट फैकल्टी यहाँ पर मिलेंगे। आशीर्वाद सर, आरपी सर, शुभ सर, अमित सर, सभी लोग, हम लोग यहाँ पर हैं आपके लिए। क्लास डेली चलेगी बिना किसी गैप के। आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए और सभी बातें आपको वहां पर, जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। आशीर्वाद सर। शुभ सर प्लीज लास्ट वर्ड क्या कहेंगे आज? थैंक यू वेरी मच आशीर्वाद सर। द थिंग इज कि गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये यूपीएससी उड़ान चैनल है। उड़ान नाम इसलिए दिया गया है बच्चों, नाउ इट इज दिस इज द राइट टाइम टू फ्लाई, कम एंड जॉइन अस। बहुत नई सारी चीजें मिलेंगी, डेडिकेशन के साथ आना, एक मोटो के साथ आना हमारे पास। हमें 2022 को नहीं देखना, जो भी देखना है 2021 को देखना है। द थिंग इज, सारी प्रिपरेशन यहाँ पे की जाएगी, सारी चीजों के साथ की जाएगी। टाइम टेबल वन मोर टाइम इंपॉर्टेंट, जैसा अमित सर ने बताया था, जैसा बाकी के फैकल्टीज आप लोगों को बता रहे हैं, टाइम टेबल आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो टीचर्स फैकल्टीज आपको तो जरूर बताएंगे, साथ में आप अपना टाइम टेबल भी जरूर बनाकर रखिए। बिकॉज द थिंग इज नॉट इट, दिस इज द नॉट टाइम टू डू द हार्ड वर्क, इट इज अ टाइम टू डू स्मार्ट वर्क, जैसा आशीर्वाद सर ने बताया था, अमित सर ने बताया था। हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और यहाँ पे आने वाले कुछ फेस्टिवल्स है, मोस्ट ऑफ द केसेस मेंटेलिटी है वो होता है कि भाई ये फेस्टिवल्स ओवर हो जाएंगे फिर उसके बाद प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। बट बच्चों ध्यान रखिएगा, यूपीएससी आपका वेट नहीं करेगा, वो जिस टाइम पे है वो उस टाइम पर ही होगा, बस प्रिपरेशन आपको आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। टाइम टेबल बनाइए, सारी चीजें साथ में करिए, कोई भी डाउट होता है हमेशा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स अवेलेबल होता है। द थिंग इज, बहुत सारे डिफरेंट फैकल्टीज अवेलेबल हैं सारे, हर एक सब्जेक्ट में स्पेसिफिक डिटेलिंग देने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री, ये आपको फ्री में दिया जा रहा है। बायलिंगुअल है, इंग्लिश वाले बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिंदी वाले बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश समझ में आ रहे हैं, उनके चैट बॉक्स से समझ में आ रहा है। तो बच्चों ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, और यू नो अनअकैडमी का जो टैग है, लेट्स क्रैक इट एंड कीप रेडी फॉर फ्लाइंग। थैंक यू वेरी मच आशीर्वाद रुद्र सर, थैंक यू शुभ सर, रुद्र सर नमस्कार। रुद्र सर लास्ट लाइन आपके बाद विचार से क्या होना चाहिए आज की? सर लास्ट लाइन ये है कि एक मोटिवेशन हमेशा चिंगारी बच्चों में जलती रहे, हमेशा वो चिंगारी रहनी चाहिए। इस प्रिपरेशन के बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं
वो अप्स एंड डाउन्स को रोकना है, तो मैं एक गाने से, चक दे इंडिया के गाने से अंत करूंगा। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। सो इस बार करके दिखाएंगे, राइट? थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों मोटिवेट करने के लिए। शुभम सर, आपकी तरफ से क्या है लास्ट में सर? थैंक यू वेरी मच आशीर्वाद सर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जाने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि उड़ान 2021 प्रोग्राम एक रामबाण की तरह, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह आया है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपकी सॉल्व करेगा। टाइम की कमी है, 7-8 महीने बाद प्रीलिम्स है, उसकी जो इसकी पूरी प्रक्रिया है उसको ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद कोविड का एक कहर जो है वो अभी तक बाहर बरकरार है, तो हमें घर से बाहर नहीं जाना है। और दोस्तों, कोरोना के कारण जो फाइनेंशियली बहुत सारे लोग वीक हो चुके हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना हार्डवर्क करना है। बिना किसी पैसे को खर्च किए हुए इस लिमिटेड टाइम में हम लोगों के साथ जुड़ के, हिंदुस्तान की बेस्ट फैकल्टी के साथ जुड़ के हमको इसको क्रैक करके दिखाना है। और हमको बस एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपने तक इस खुद ही को इतना बुलंद कर लीजिए कि तकदीर जो है वो आपको सफल करने में आपके साथ हो जाए, आपको खुद आकर पूछे कि बताओ मेरे प्यारे एस्पिरेंट कौन सा रैंक चाहिए आपको, क्या सर्विस में जाना चाहते हैं आप। तो यही मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत हाईली मोटिवेट होंगे सर। और बच्चों, इसी मोटिवेशन के साथ आपको कल उपस्थित होना है अपनी क्लासेस में। शेड्यूल सुबह मिल जाएगा दोस्तों आपको, लेकिन आपको याद रखना है मेरा फेवरेट डायलॉग, बिना रुके बिना मुड़े बिना भूले और बिना थके आ जाइएगा दोस्तों कल सुबह इस क्लास में, शेड्यूल में। और लास्ट में मैं जाने से पहले एक बात कह दूं दोस्तों आपको, हमारे पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत जेटली साहब ने कहा था, उड़ान कार्यक्रम है उड़े देश का आम नागरिक। तो यहाँ पर हमारा आम बच्चा, साधारण बच्चा, एक जनरल बच्चा भी अच्छी तैयारी कर सके, वो भी अपने सपनों को उड़ान दे सके, हम चाहेंगे वो जुड़ सके हमारे साथ, अपनी तैयारी को बहुत बहुत बेहतरीन कर सके। सफलता असफलता होगी लाइफ में, लेकिन तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखें। आप जंग में जा रहे हैं, पूरा तैयार होके जाएं, और हमारा काम होगा आपको तैयार कराना, इस पूरी टीम का काम होगा आपको तैयार कराना दोस्तों। इसी साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात अनअकैडमी की ओर से। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए बना है, आप बिल्कुल तैयारी करते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे पास इसके अलावा अन्य प्लेटफॉर्म भी हैं। वो है आपका ऐप, हमारा अनअकैडमी ऐप, जहां जाके आप संडे के संडे स्पेशल क्लासेस होती हैं, पूरे वीक चलती हैं, संडे को स्पेशल क्लास का डे होता है, आप आज वहां जा सकते हैं। अभी क्लासेस चल रही हैं वहां पर, अलग अलग एजुकेटर वहां पर शानदार क्लासेस दे रहे हैं हमारी अनअकैडमी ऐप पर, वहां जाइए दोस्तों। इसके अलावा हमारे एवरी ट्यूजडे क्विज डे होता है, क्विज हफ्ते भर चलते हैं, लेकिन एवरी ट्यूजडे बहुत सारे क्विज होते हैं आपके साथ, बहुत सारे फैकल्टी बहुत सारे एजुकेटर क्विज देते हैं, वहां आ सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ भूलना नहीं है, जो बच्चे जुड़ना चाहें हमारे अनअकैडमी प्लस कार्यक्रम के साथ, प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ, वो जुड़ सकते हैं दोस्तों। आप किसी फैकल्टी कोड यूज करें, जो आप पसंद आती है फैकल्टी कोड यूज करें, और जुड़े हमारे प्लस कोर्स के साथ, प्लस कोर्स जहां पर ये फैकल्टी भी रहेंगी सभी आपके लिए, इसी जोश के साथ, इसी कंटेंट के साथ, इसी ऊर्जा के साथ, लेकिन साथ ही साथ वन टू वन इंटरेक्शन भी होगा फैकल्टी से आपका, डॉक्टरिंग सेशन भी होंगे आपके वहां पर, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड क्लासेस, डाइवर्सिफाइड क्लासेस, एक विषय को पढ़ाने के लिए कई शिक्षक आपको वहां मौजूद होंगे। यानी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अपनी तैयारी को और उम्दा और बेहतर करने के लिए। आ सकते हैं हमारे साथ आप अनअकैडमी प्लस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में दोस्तों। उसके लिए क्या करना है आपको, अनअकैडमी डाउनलोड करनी है हमारी, और डाउनलोड करने के बाद प्लस कोर्स सब्सक्राइब करना है। फीस के ऑप्शन है, एक साल दो साल का फीस चुनना है, क्योंकि समय लगता है तैयारी करने में। आप आ सकते हैं एक साल या दो साल की तैयारी के ऑप्शन में, और वहां पर आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जो फैकल्टी आपको अच्छी लगती है उनका रेफरल कोड यूज कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा साथ ही साथ, और जुड़ेंगे आप उन फैकल्टी के साथ सीजन की मेंटरशिप में भी। तो दोस्तों आइए हमारे साथ उस कार्यक्रम में, प्लस कार्यक्रम भी आपके लिए, वहां जुड़ सकते हैं हमारे साथ दोस्तों। तो ये था मेरी तरफ से, मैं पूरी टीम की तरफ से दोस्तों आपको कहूंगा थैंक यू, शुक्रिया, और अंत में कहूंगा जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं कल, अब सबके सब कल मंडे से क्लासेस स्टार्ट होनी है, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर हर इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया जाएगा। सारे टीचर्स को थैंक यू वेरी मच सर, आशीर्वाद सर, संजय सर, सुमन सर, शुभम सर, रुद्र सर, शुभ नामदेव सर, एंड मंजेश सर, एंड कुमार मयंक सर, सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।